सो आज हम लोग बात करेंगे हुमेरोथ्री रूल की। हुमेरोथ्री कौन था? हुमेरोथ्री एक मेटलर्जिस्ट था, मटेरियल साइंटिस्ट था, जिसने चार नियम दिए। तो उसने उस अपने नाम से ही उस रूल को क्या बोला, हुमेरोथ्री रूल ऑफ सॉलिड्स, कि अगर आपको दो सॉलिड्स, दो मेटल्स को आपस में मिलाना है मेल्ट करके, तो उनमें चार चीजें होना चाहिए। अगर वो चार जो प्रॉपर्टीज है, चार रूल है, चार नियम को फुलफिल करते हैं, तभी हम लोग एक प्रॉपर होमोजेनियस सॉलिड बना पाएंगे किसी बाइनरी सिस्टम में। मतलब इसने क्या बोला कि टू ऑब्टेन होमोजेनियस सॉल्यूशन इन बाइनरी सिस्टम, अगर हमको होमोजेनियस सिस्टम सॉल्यूशन बनाना है, हाई सॉल्युबिलिटी चाहिए दो मेटल्स के अंदर, तो उन मेटल्स का ये चार नियम फॉलो करना जरूरी है। तो पहला नियम इसका ये बोलता है कि एटॉमिक साइज फैक्टर, या उसको बोलते हो रिलेटिव साइज फैक्टर भी। एटॉमिक साइज फैक्टर का मतलब क्या, जब भी आप दो मेटल्स को मिलाएंगे, आप दो मेटल्स को मिलाएंगे तो सब्स्टिट्यूशनल या इंटरस्टीशियल टाइप से दोनों मिलेंगे, आप जानते हैं, आपने पढ़ा स्ट्रक्चर्स। तो सपोज यहाँ पर ये एटम्स है कुछ, ये अब ये एटम्स है, यहाँ पर ये एटम सब्स्टिट्यूटली, यहाँ पर ये दो एटम, मान लो कोई एटम आए हैं, तो जो बड़ा एटम है यहाँ पर ज्यादा, जो जिसका मेटल मैट्रिक्स मतलब जो मेजोरिटी में है ना, जैसे मान लो आयरन कार्बन है, तो आयरन मेजोरिटी में, कार्बन कम कम है, तो जो मेजोरिटी में जो चीज है उसको बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है, तो ये जो है मेरा सोलवेंट मेटल एटम है, और ये जो है मेरा ये क्या है, सोल्यूट मेटल एटम्स हैं। तो अगर अब मैं इसने क्या बोला, एटॉमिक साइज फैक्टर ने ये बोला कि सोल्यूट और सोलवेंट का जो एटॉमिक जो साइज है, जो एटम्स का डायमीटर है, जो दोनों एटम्स का डायमीटर है, उनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 15% से कम होना चाहिए। मतलब द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक साइज ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट इज लेस देन 15%। अगर 15% से दोनों के एटम्स का जो डायमीटर है वो डिफरेंस कम है, इसका मतलब वो क्या है, हाईली सोल्यूबल है और गुड सोल्यूबल है, गुड उसकी सोल्युबिलिटी अच्छी होगी और वो उसका अच्छे से कंपाउंड मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर उनका जो डिफरेंस है दोनों का वो अगर 15% से ज्यादा है, किनका डिफरेंस, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक डायमीटर, जो एटॉम्स है दोनों के उनका जो डायमीटर है, उनका जो डिफरेंस है उसका 15% से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो फिर सोल्युबिलिटी एक लिमिट आ जाएगी और लिमिटेड सॉल्युबिलिटी हो पाएगी। जैसे आयरन कार्बन के अंदर पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाता है, कार्बन ओनली 6.6% तक ही सीमित होता है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 15% से ज्यादा है आयरन और कार्बन के एटॉम्स का डिफरेंस साइज का। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखें, अगर मान लो क्रोमियम है और निकल है, तो क्रोमियम का जो साइज वो भी 128 पिकोमीटर है और निकल का भी 128 पिकोमीटर है, इसका मतलब दोनों का जो एटॉमिक साइज बिल्कुल सेम है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। वही अगर हम लोग बात करते हैं सिल्वर और लीड की, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो मोर देन 21% है, मतलब इनमें पूरी तरह ये सोल्यूबल नहीं एक दूसरे में, इनके में एक लिमिटेशन आ जाती है। तो पहला नियम उसने ये दिया कि एटॉमिक साइज फैक्टर जो है वो अगर 15% से कम डिफरेंस है तो अच्छा आपका सोल्यूशन बनेगा। दूसरा उसने ये बोला, दूसरा रूल उसका ये था रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी क्या होता है, सबसे पहले वैलेंसी, तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं आपके जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो उसमें आप जानते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम में हमारे 3 वैलेंसी है ना, ये ऑक्सीजन में 2 वैलेंसी है। तो इसका हुमेरोथ्री का ये कहना था कि अगर मेटल, एक मेटल है और उसकी हायर वैलेंसी अगर है, तो हायर वैलेंसी कैन डिसॉल्व विद द मेटल ऑफ लोअर वैलेंसी। तो अगर एक मेटल्स के अंदर हायर वैलेंसी है और दूसरे के अंदर अगर लोअर वैलेंसी है, तो वो एक दूसरे में आसानी से मिल जाएंगे और एक दूसरे से आसानी से बॉन्ड बना लेंगे और वह कंपाउंड हमारा इजीली बन जाएगा। मतलब सोल्युबिलिटी जितनी अच्छी होगी, जितना वैलेंसी डिफरेंस अच्छा होगा, मतलब हायर वैलेंसी अगर होगी तो वो लोअर वैलेंसी वाले एटम्स में फटाफट से जुड़ जाएंगे और मेटल मेटल अच्छा बन जाएगा। तो दूसरा नियम इसका ये था रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर, जिसने इसने यही बोला कि ये मेटल ऑफ हायर वैलेंसी कैन डिसॉल्व विद द मेटल ऑफ लोअर वैलेंसी वाइस वर्सा आल्सो। तो जो थर्ड रूल होगा, हुमेरोथ्री जो थर्ड रूल दिया उसने ये बोला कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या फर्क पड़ता है जब दो एटम्स को हम लोग आपस में, दो मेटल्स को आपस में जब हम सॉल्युबिलिटी करते हैं, मिलाते हैं, तो इसने बोला कि मेटल्स जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेगी, मतलब अगर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर से दोनों मेटल्स की, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। मतलब अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है दोनों मेटल्स के, लाइक दोनों पीसीसी है, दोनों एफसीसी है, दोनों एचसीपी है, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो काफी हाई रहेगी। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे बढ़ने से पहले। दूसरी बात उसने बोली
कि मेटल्स हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स टेंड्स टू हैव लिमिट सॉल्युबिलिटी, अगर मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस है दोनों का, एक BCC है एक FCC है, तो क्या होगा कि उनकी जो सॉल्युबिलिटी में क्या रहेगा, एक लिमिटेशन रहेगी कुछ हद तक कि वो दोनों एक दूसरे में सॉलिडिफाई हो पाएंगे। तो तीसरा रोल हमें देखा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब चौथा आता है वो होता है केमिकल एफिनिटी के ऊपर। उसने ये बोला कि जो सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है उन दोनों का जो है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों की सेम होना चाहिए। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों की सेम होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो जो कंपाउंड बनेगा वो इंटरमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा और एक सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों के बीच में वो दोनों के बीच में लगभग सिमिलर होना चाहिए। अगर सिमिलर नहीं हुई तो मेरा कंपाउंड सोल्यूबल ना होते वो इंटरमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा जो मुझे डिजायरेबल नहीं है। तो चार बातें हमें रोथरी ने बताई। पहली बात थी एटॉमिक साइज का डिफरेंस 15% से कम हो। दूसरी बात जो उनकी थी वो उनका था वैलेंसी था कि वैलेंसी अगर ज्यादा होगी तो कम वाले से मिलना चाहेगा। तीसरी बात बोली क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। और चौथी बात उसने क्या बोली तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों के बीच में वो लगभग सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो फिर इंटरटॉमिक कंपाउंड्स बनेंगे, इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स बनेंगे स्टैंड फॉर सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये चार बातें मेरे ने बताया। अगर ये चीज़ें अगर फुलफिल होती है तो आपका सॉल्यूशन परफेक्टली बन जाता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ समझ में आया है, तो अगेन लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, चैनल को ज्वाइन कर ले पूरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए।